प्रदीप चौधरी तो पहले के मुकाबले भारी वोटों से जीत गए। प्रदीप चौधरी जी का खुद का वोट इतना है या बीजेपी का वोट है? नहीं नहीं, इनका तो 1.5 लाख खुद घर का वोट है इनके पड़े, ऐसा जैसा इनकी मुट्ठी में रखा हो। किसका? प्रदीप जी का, वो तो ऐसा वोट है इनके पास। तो गठबंधन के तो बड़े बड़े हो गए ना, गठबंधन तो पहले भी हुए, गठबंधन तो पहले भी हुए, गठबंधन आज ही नहीं हुआ, पहले भी गठबंधन हुए, पहले नहीं हुए गठबंधन। क्या कह रहे ताऊ जी? मगर ये कह रहे हैं कि गठबंधन बड़े बड़े गठबंधन हो गए। मेरी बात ना पूछे, बता दो बस। बहुत के कोई आता मुकाबले पर? मुकाबले पर आता ही नहीं, नहीं। आओगा तो गिरदाबाद जाएगा। कहाँ जाओगा? धरती में। हेलो दोस्तों, मैं शहजाद बजी, आप देख रहे हैं सोशल जस्टिस नेटवर्क। आज मौजूद है गंगो शहर में और यहाँ पर कुछ चौधरी लोग मौजूद हैं और समाज के जिम्मेदार लोग मौजूद हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे किराना लोकसभा पर। आखिर इधर से बीजेपी से जो टिकट के उम्मीदवार हैं प्रदीप चौधरी जी हैं, वक्त में मौजूद एमपी हैं, और इधर से मांग है मनीष चौहान, और इधर से अलग अलग नेता हैं जैसे कि नवाज आलम है और इसी तरीके से इकरा चौधरी है। बीजेपी से मनीष चौहान और प्रदीप चौधरी में इस तरीके की कुछ बात है, इनमें दोनों में नेता मजबूत कौन है? प्रदीप चौधरी, प्रदीप चौधरी जी हैं। प्रदीप चौधरी मजबूत है। आप देख नहीं रहे कराना लोकसभा में, पहले भी लोग सांसद बने हैं, अब की बार प्रदीप चौधरी सांसद बनकर आए हैं। और यहाँ तो यह स्थिति थी कराना लोकसभा में, चाहे सहारनपुर लोकसभा हुई, सांसद मिलने के लिए कई कई साल लग जाते, और प्रदीप चौधरी जनता के बीच में लगा। आप कौन से विलेज से, कौन से गांव से? अपना गांव कमेड़ा है। कमेड़ा? अच्छा, कमेड़ा तो अपना गांव माना जाता है एमपी जी का। एक चीज है, एमपी जी के अंदर खास बात क्या है? एमपी साधारण है, सज्जन है, ईमानदार है, पब्लिक के बीच में रहने वाले है, सुशील है। सांसद जी के पिताजी यहाँ पर रहे, इन्होंने जो गंगो विधानसभा थी, जब से इनका परिवार राजनीति में आया, लगभग 35 साल हो गए। आप देख रहा होगा कोई एक बार सांसद या विधायक बन जाओ, इन्हें 35 साल हो गए विधायक का, यहाँ काम करते हो, सांसद बनते हो, विधायक बनते हो। इनके पिताजी 3 बार इनके पिताजी एमएलए बने, 3 बार प्रदीप जी विधायक बने, 1 बार सांसद है, पर कोई 1 रुपए का कोई दाग या कोई कहीं लगा दो इन पे जी? इनके बारे में एक चीज मशहूर है कि न तो किसी की गलत काम का सपोर्ट करते हैं, न सहयोग करते हैं, इस तरीके कुछ है मामला इनके अंदर, आपने देखा? बिल्कुल नहीं करते, हम तो साथ रहे 24 घंटे। अच्छा चौधरी साहब, लगता नहीं आपको कि इकरा चौधरी जो है मुकाबला ठीक ठाक कर लेगी प्रदीप जी से? ये तो पहले भी थी, इकरा चौधरी का मुकाबला कर लेगी, कायम करेगी मुकाबला इकरा चौधरी। बतावे गठबंधन बड़ा हो गया, गठबंधन तो पहले भी हुए, पहले से बहुत दिन से गठबंधन चलते आ रहे हैं, उस तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। प्रदीप चौधरी तो पहले के मुकाबले भारी वोटों से जीत गए। प्रदीप चौधरी जी का खुद का वोट इतना है या बीजेपी का वोट है? नहीं नहीं, इनका तो 1.5 लाख खुद घर का वोट है इनके पड़े, ऐसा जैसा इनकी मुट्ठी में रखा हो। किसका? प्रदीप जी का, वो तो ऐसा वोट है इनके पास। तो गठबंधन के तो बड़े बड़े हो गए ना, गठबंधन तो पहले भी हुए, गठबंधन तो पहले भी हुए, गठबंधन आज ही नहीं हुआ, पहले भी गठबंधन हुए, पहले नहीं हुए गठबंधन। क्या कह रहे ताऊ जी? मगर ये कह रहे हैं कि गठबंधन बड़े बड़े गठबंधन हो गए। मेरी बात ना पूछे, बता दो बस। बहुत जी के कोई आता मुकाबले पर? मुकाबले पर आता ही नहीं, नहीं। आओगा तो गिरदाबाद जाएगा। कहाँ जाओगा? धरती में। गिरदाबाद? धरती में जाएगा। कांग्रेस कह रही कि उन्हें भारत जोड़ो यात्रा करके सफाया कर देंगे बीजेपी का। हाँ, बीजेपी का नाम निशान का जमीन मचा सकते हैं। ऐसा ही है जी? नहीं देखो, बीजेपी शासन में, एक बात तो बताओ, आप तो सारे क्षेत्र में घूमे, लंबे चौड़े क्षेत्र में घूमे, 100 सबसे बढ़िया, कितनी कितनी बढ़िया बात है कि क्राइम बिल्कुल खत्म। क्राइम तो है ही नहीं, चलो इन तक कराना तो कोई कराना जाने में वो नहीं है, यही खींच लेते हैं इतने वाली पटड़ी भाई। किसी टाइम जाओ, महिला लड़की पुरुष कोई भी जाए, कोई दिक्कत परेशानी सरकार में नहीं है, इतना बढ़िया शासन चल रहा। कितने वोट से सोच रहे हैं कि एमपी साहब जीत सकते हैं पहले के मुकाबले? पहली बार 90,000 से जीतते थे, अब की बार 1.5 लाख से जीतेंगे। ऐसा ही है जी? 1.5 लाख बिल्कुल। तो यहाँ हुक्का हुक्का मिला आपने? यहाँ तो हर चीज है, इसके बारे में नहीं आप कह सकते क्या नहीं मिलता, यहाँ सब कुछ मिला है, हर चीज है। 24 घंटे मिला है, थोड़ी घड़ी देर नहीं। हुक्का तमक्कू कैसा था? क्या कुछ है बात, जज्बा लपटका। क्या करे क्या करे? एक बात बताओ, इसके बारे में आप कितना भी हमारे पकवा लो, इससे अच्छा बढ़िया नेता वहां पकड़ कर किसी टाइम कहीं भी रोक लो। नहीं तो हमें बहुत देखे पहले, बाबूजी रहे, बाबूजी का हम विरोध नहीं करते, अब बाबूजी का विरोध कर रहे हैं, पर बाबूजी हमने जब दो तीन बार इनको एमपी बना दिया, तब उस समय को भी बनाया, बाबूजी को भी बनाया, तो क्या मतलब ये अगर प्रदीप एक बार एमपी बनने पर उन लोगों को हजम नहीं हो पा रहा, कुछ लोग मेरे भाई उन्हीं में
कुछ लोग इस डाल गए हैं जो लोग उल्टे सुलटे बयान जारी कर रहे हैं, इस तक कुछ नहीं होने वाला है। देखो ये जनता है, सीधा योगी और मोदी को वोट पड़ रहा। मोदी जी योगी जी देश प्रदेश में काम कर रहे हैं। मोदी जी की टीम मजबूत है, आप देखा होगा, बिल्कुल किसी जातिवाद से हटके, किसी से भी हटके सबके विकास कार्य, सबका साथ, सबका साथ, सबका विकास। एक बात बताओ आप, क्या पांच लाख रुपए का जो आयुष्मान कार्ड बनया वो 6 बच्चों वालों का बनया, उसमें आप लोग ज्यादा आए, हमारे लोग तो किसी का एक, किसी का दो वाले का है। देखो उसको उनका तो सबका एक ही नारा है, सबका साथ और सबका विकास। बहुत अच्छा। अच्छा यहाँ पर हम मौजूद थे कि गंगो शहर के कुछ जिम्मेदार लोग मौजूद थे, अलग अलग गाँव समाज से ताल्लुक रखने वाले हैं, और असल मुद्दा क्या है, किराना लोकसभा पर जिस तरीके से टिकटों की मांग भी चल रही है लगातार, लेकिन जनता के बीच असल किस नेता की चर्चा है, ये भी असल सवाल है। लेकिन अगर सवाल हमने पूछा है तो प्रदीप चौधरी जी का सवाल सामने आया है कि साधारण इंसान है इसलिए इन्हीं को वोट होगा। अगर आपको लगता है कि सोशल जस्टिस नेटवर्क फील्ड में जाकर उन तमाम बातों की जानकारी आपको दे रहा है, तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें, यूट्यूब चैनल शहजाद बद्री को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।